के नेता हरि मुखी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुच्छू और के केशव राव को हटाए जाने की मांग की है। इस मांग को लेकर हरि मुखी ने पार्टी आलाकमान को एक पत्र लिखा है। जिला के कांग्रेसियों में अब बगावत शुरू हो गई है। शहर के कांग्रेसी अब दो फाड़ हो गए हैं। बिष्टुपुर के धतकी डिक्कर रहने वाला हरि मुखी पुराना कांग्रेसी है और इन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुच्छू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुखी का आरोप है कि प्रदीप कुमार बालमुच्छू और के केशव राव राज में पार्टी को कमजोर कर दिया है और दिन प्रतिदिन पार्टी का जनाधार कम होता जा रहा है। वैसे नाराज हरि मुखी ने पार्टी के आलाकमान सोनिया गांधी के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें इन्होंने मांग की है प्रदीप कुमार बालमुच्छू और के केशव राव को हटाया जाए। मुझे एक नोटिस प्राप्त हुई है जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से। आप सभी लोगों को मालूम होगा मैं पिछले विधानसभा चुनाव से के केशव राव और श्री प्रदीप कुमार बालमुच्छू के खिलाफ मैं अभियान चला रहा हूँ, जिसमें उसी के संदर्भ में मुझे एक नोटिस दिया गया और एक सप्ताह के अंदर मुझे जवाब देने को कहा गया। मैं उस जवाब में ये लिखा हूँ कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में मुझसे 5 लाख रुपया केशव राव ने टिकट के संदर्भ में मांगा था, उसके खिलाफ मैंने अदालत में केस भी किया था। उसी समय से मैं मुहिम चला रहा हूँ, दोनों को पार्टी के पद से मैंने हटाने का मांग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक आलाकमान जो है हमारी बातों को नहीं सुन पा रही है। लेकिन ये मेरा लड़ाई संघर्ष ये मेरा जारी रहेगा। लोकतंत्र में सभी को हक है, अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाने का। मैंने भी पार्टी संगठन हित के लिए, मैं अपने लिए नहीं, पार्टी संगठन हित के लिए, पार्टी का मान सम्मान इज्जत बचाने के लिए जो लोग गलत काम कर रहे हैं उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूं और मैं इसका जवाब भी दे रहा हूं कि मैं जब तक केशव राव और प्रदीप कुमार बालमुच्छू जी को ये झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन से नहीं हटाएंगे, मैं ये जारी हमेशा रख लड़ाई ये मैं हमेशा जारी रखूंगा और ये लड़ाई हमारा चलते रहेगा।